अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कॉलेज इवेंट। मैं रोज़ एंड फहद, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कुकिंग चैनल है और हम डेली नई से नई रेसिपी अपना के आपको दिखाते हैं। तो जो आज हम डिश बनाने जा रहे हैं, रेसिपी बनाने जा रहे हैं, वो सबकी पसंदीदा है, बहुत ही लजीज है, हर दिल लजीज डिश है। मोस्टली लोग उसको रेस्टोरेंट्स में खाते हैं और जब घर में बनाते हैं तो कहते हैं कि हमसे क्यों नहीं सही बन रही, उसकी ग्रेवी भी सही नहीं बनती। तो वो जो उसके चंद ट्रिक्स हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो वो जो डिश है वो है चिकन मंचूरियन, उसकी ग्रेवी को थिक करने का ट्रिक, और उसके अंदर जो चिकन पकौड़ा होता है, बेसिकली जो चिकन होता है वो लोगों का ठुस हो जाता है, बैठ जाता है, उसको भी हम करारा क्रिस्पी और खड़ा खड़ा बनाना सिखाएंगे आपको। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ, चलिए। तो व्यूअर्स, 400 ग्राम हमने चिकन बोनलेस ले लिया, उसके ऐसे क्यूब्स कर लिए। आपने इसे छोटे क्यूब्स नहीं करने, कम से कम इतना साइज रखने ताकि ये खाने में मजेदार लगे आपको। एक अदद अंडा लेके आपने इसके अंदर डाल लेना है, हाफ टी स्पून नमक डाल देना है, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर डाल देनी है, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून गार्लिक पाउडर, एक चौथाई आपने व्हाइट पेपर डाल लेना है, एक टी स्पून चिकन पाउडर, एक टेबल स्पून व्हाइट विनेगर, एक टेबल स्पून सोया सॉस, हाफ टेबल स्पून वर्सरशायर सॉस, एक टेबल स्पून चिली सॉस, 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 2 ही टेबल स्पून आपने मैदा डाल लेना है, ठीक है, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जी व्यूअर्स, मिक्सर हमारा मिक्स हो चुका है, अब हम इसको 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे, उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। तो मिलते हैं 20 मिनट के बाद। जी व्यूअर्स, 20 मिनट हो चुके हैं, चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमने पहले से ही कढ़ाई में डाल के गर्म कर लिए, प्री हीट कर लिए, अब हम इसमें चिकन फ्राई करेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे आपने फ्राई करना है और 3 मिनट बाद इसकी साइड पलटनी है और टोटल 6 से 7 मिनट आपने इसको पकाना है, उसके बाद इसको निकाल लेना है। जी व्यूअर्स, 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको पलट लेंगे और दूसरी साइड फ्राई कर लेंगे। जी व्यूअर्स, हमारा चिकन फ्राई हो चुका है, इसको हम उतार लेंगे और दूसरा पूल डाल देंगे ताकि हमारा सारा चिकन फ्राई हो जाए, ठीक है। जी व्यूअर्स, हमने दूसरा पूल भी चिकन का पैन के अंदर डाल लिया है फ्राई करने के लिए, ताकि सारा चिकन हमारा फ्राई हो जाए। अच्छा, आपने याद रखना है कि चिकन की एक एक बोटी को सेपरेट करके बीच में डालना है, कट्ठे नहीं डालना आपने, वरना सारा चिकन जुड़ जाएगा आपका और आपकी रेसिपी सारी ज़ाया हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। यही ट्रिक है कि आपका चिकन मंचूरियन अच्छा नहीं बनता, आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके साथ साथ हम चिकन एग फ्राइड राइस भी बना रहे हैं ताकि हम फुल एंजॉय कर सकें अपनी चिकन मंचूरियन रेसिपी को। इसकी रेसिपी चिकन एग फ्राइड राइस की मैंने पहले आपसे शेयर की हुई है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। जी व्यूअर्स, हमारा सारा चिकन फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं अपनी चिकन मंचूरियन की ग्रेवी की तरफ। अब हम चिकन मंचूरियन की ग्रेवी बनाने के लिए एक पैन ले लेंगे, उसमें 4 से 5 खाने के चम्मच ऑयल का डाल देंगे और उसको गर्म होने देंगे। जी व्यूअर्स, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब 4 से 5 जबे लहसुन के लेके हमने इसका चॉप कर लिए, इसको डाल लेंगे और 30 से 40 सेकंड तक इसको सोटे कर लेंगे, उससे ज़्यादा सोटे नहीं करना वरना जले हुए का टेस्ट आएगा। जी व्यूअर्स, तो हमारा लहसुन मीडियम ब्राउन हो गया, 30 से 40 सेकंड इसको हमने फ्राई किया है, इससे ज़्यादा नहीं करना। अब हम प्याज डाल देंगे इसमें, प्याज भी आपने क्यूब्स की शक्ल में काटना है, ठीक है, बड़ा बड़ा, छोटा नहीं करना इसको आपने। 1 मिनट के बाद आपने इसके अंदर शिमला मिर्च भी डाल देनी है, वो भी हमने गोल गोल बड़ी बड़ी काटी है, छोटी नहीं काटनी है आपने, ठीक है। ये आप देख लें, ये भी इसके साथ अब फ्राई कर लेंगे हम। अच्छा, याद रहे आपने सब्जियों को मीडियम फ्लेम पे पकाना है और 3 से 4 मिनट पकाना है, वरना आपकी सब्जियां जो है वो बैठ जाएंगी और डार्क हो जाएंगी बेसिकली। जी व्यूअर्स, 4 मिनट हो चुके हैं, वेजिटेबल्स हमारी बहुत अच्छी फ्राई हो गई हैं। अब इसके अंदर हम 7 से 8 चम्मच टमाटो केचप के डाल देंगे
चार खाने के चम्मच चिली गार्लिक सॉस का डाल देंगे, डेढ़ टेबलस्पून चिली सॉस का डाल देने हैं आपने, एक चम्मच व्हाइट विनेगर, एक खाने का चम्मच सोया सॉस, हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून व्हाइट पेपर यानी कि एक चौथाई व्हाइट पेपर, दो खाने के चम्मच चीनी ऐड कर देंगे, एक खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। ये हमारी ग्रेवी थिक हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसमें 2 कप हम यखनी के डाल देंगे, चिकन यखनी के 2 कप ऐड कर देंगे इसके अंदर। अब इसको हम हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि ये थिकनेस की तरफ चला जाए, ठीक है। इसके बाद हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर भी ऐड करना है। जी व्यूअर्स, ग्रेवी तकरीबन हमारी गाढ़ी हो चुकी है। मज़ीद इसको गाढ़ा करने के लिए हमने 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिया है, वो इसमें हम पानी में मिक्स करके ऐड कर देंगे ताकि मज़ीद गाढ़ी हो जाए हमारी ग्रेवी। जी व्यूअर्स, कॉर्नफ्लोर हमारा पक चुका है इसमें। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई किया था, और इसको 3 से 4 मिनट और पकाएंगे, फिर इसको डिश आउट करेंगे। व्यूअर्स, थिकनेस आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं, ज़्यादा थिक भी कर सकते हैं, कम थिक भी कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर से करना पड़ेगा आपको। और दूसरा, मिर्चें भी जो स्पाइसेस हैं वो भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से तेज़ कम कर सकते हैं। उसके लिए आपको चिली फ्लेक्स कम या ज़्यादा डालने पड़ेंगे ताकि उसमें स्पाइसेस ज़्यादा हों या कम हों, जो आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो हमारा चिकन मंचूरियन तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना थिक है, कितना ज़बरदस्त है, कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके साथ साथ हमारे चिकन एग फ्राइड राइस भी तैयार हो रहे हैं, उसकी वेजिटेबल्स फ्राई हो रही हैं। तो हम जब डिश आउट करेंगे तो आपको साथ चिकन एग फ्राइड राइस और मंचूरियन दोनों को साथ ही दिखाएंगे। व्यूअर्स, चिकन मंचूरियन हमारा तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार है। और चिकन एग फ्राइड राइस वो तो वैसे ही हमारी पेट डिश है। हमारे ख़ानदान में सब कहते हैं कि मेरी बेगम से अच्छा चिकन एग फ्राइड राइस कोई भी नहीं बनाता। इसकी रेसिपी हमने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर की हुई है, आप वो देख सकते हैं। जी व्यूअर्स, तो उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाजमी कमेंट सेक्शन में आपने बताना है, और इसको ट्राई भी लाजमी करना है आपने। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज डिश होती है। आप रेस्टोरेंट में जाके हज़ारों रुपये दे के खाते हैं, घर में बनाएं, चंद पैसों में बनाएं, मज़े से खाएं, सबको खिलाएं। और सेकेंड थिंग, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन का बटन तो लाजमी दबाना है आपने, ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद रेसिपीज उसका नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला करेंगे, आप ढूंढते रहेंगे कि मारूज़न फहद की रेसिपीज किधर पड़ी हैं। बेल आइकन आपकी हेल्प करेगा, आपको हमारी नई रेसिपीज का नोटिफिकेशन देता रहेगा। तो गाइस, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़।